आपको ना मैं आइडियलाइज करती थी, और आपकी यही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी कि आप इक्वालिटी को वैल्यू देते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ आके पता चला कि आप अपनी बीवी और बहनों के बीच में इंसाफ ही नहीं कर सकते। मुझे इश्क की इबादत करने दे। मरियम, हाथ मेरा उठा था, मेरी बहनों के बाजू मत काटो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बहनें आपके बाजू में बैठा वो सांप है जो आपको डस रही है, तो तुम होश में हो? सच कह रही हूं मैं, ये जो कुछ भी हमारे बीच हो रहा है उसकी फसाद की जड़ आपकी बहनें ही तो है। वो नहीं चाहती कि मैं यहां खुश रहूं, इसलिए तो वो मरियम, बर्दाश्त की हद होती है और वो ये है, मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, अपनी बहनों के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन अपना रिश्ता कुर्बान जरूर कर सकते हैं। तुम्हें तुम्हें क्या हो रहा है मरियम? तुम कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि सच देख रही हो मैं सिप्तेन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ भी नहीं। सिप्तेन, बात बस ये है कि अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो मुझे अलग घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रोज कोई आपके कान भरे और रोज आप मुझे थप्पड़ मारें, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि आपके वादों को सच समझ के मैं यहां बैठी रहूं आपसे पिटने के लिए। मरियम, तुम बीवी हो मेरी, कम से कम मुझे इतना तो हक है कि गलत बात पे टोक सकूं। टोकने का हक? इस तरह चार लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मार देना, उनके सामने सवाल जवाब करना, इसे आप टोकना कहती हैं? सत्यन, आपको ना मैं आइडियलाइज करती थी, और आपकी यही क्वालिटी मुझे अच्छी लगती थी कि आप इक्वालिटी को वैल्यू देते हैं। लेकिन मुझे तो यहां आके पता चला कि आप अपनी बीवी और बहनों के बीच में इंसाफ ही नहीं कर सकते। बहनों को उनका हक जरूर मिलता है, वो इज्जत जरूर मिलती है, लेकिन बीवी, बीवी की तो कोई जगह नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने शौहर को मजाजी खुदा जरूर बनाया है, लेकिन किसी भी शौहर को ये हक नहीं दिया कि वो अपनी बीवी की तजलील कर सके। अगर बीवी अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहती है तो वो उठा सकती है, और मैंने सिर्फ घर अलग करने का मुतालबा किया है, ये नहीं कहा कि अपनी बहनों के साथ रिश्ता ही तोड़ दें। हमारी लड़ाई में मेरी बहनें कैसे हुई? तो फिर किसके उकसाने पे आपने मुझ पे यूं हाथ उठाया? मरियम, तुम गलती पर थी। मैं गलत नहीं थी, आपको गलत बताया गया है। मरियम बस, इनफ। तुम्हें मुझसे बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन मैं मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। और अगर आप ही से जाके कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो ये तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? सिप्ते, एक वक्त था कि इस घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज नहीं पहुंचती थी। तुम इतनी जोर से इतना ऊंचा बोल रहे थे, तुम दोनों, सब सुनाई दे रहा था। घर में बच्चे हैं, उन पे क्या असर होगा? और नौकर की तो बात छोड़ ही दो, तुम्हें पता है इधर की बात उधर करते हैं, गलत बात है ना? I'm sorry, अंदर ऐसा नहीं होगा। झगड़ा हो क्यों रहा था? मैं आपको बताकर हर्ट नहीं करना चाहता अभी, लेकिन ये तय है कि जो मरियम चाहती है मैं वो उसे दे नहीं सकता। सत्य, आप ही, वो कोई खास बात नहीं, ऑफिस की बात थी। ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़कर आया करो, आइंदा ना मैं सुनूं। मरियम का एटीट्यूड अब कैसा है तुम्हारे साथ? वैसा ही है। दोनों के बीच का मसला कब तक चलेगा? पता नहीं आप ही, मैं क्या कहूँ, मैं तो अपोलोजाइज भी कर चुका हूँ, लेकिन वो एक ही बात पे अटकी हुई है, क्या कैसे? अजीब लड़की है, समझ ही नहीं आता। तुम शौहर होकर उसे माफी मांग रहे हो और फिर भी
तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो समझ आता इससे। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। मैं छोड़ दूँ? नहीं, दैट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, आप लोग बातें करें। मरियम, हाँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है, ध्यान से जाना और वहां पहुंच के जरूर मैसेज कर देना। हाँ शिवदेव, इसको जरा समझाओ कि मैं के जरा कम जाए, मैं बोलूंगी तो माइंड करेगी। पता है, ठीक है वहां वालदेन है मिले, लेकिन वहां पे वो भी मौजूद है ना। कौन? वो उसका कजिन जो है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत बुरी वाइब आती है उससे, इसलिए ठीक है। बाबा, आप लोगों ने मुझसे भी बातें छुपाना शुरू कर दी हैं। हया किधर है? हया रूम में बेटा। मैं हया से बात करके आती हूँ। अपने मशवरे तुम अपने पास ही रखो मरियम। भाईजान, मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द ना शादी की तारीख ले लीजिए। इतनी लंबी मंगनी रख के क्या करेंगे आप? अब लड़के ने माफी मांग ली है ना, तो देर किस बात की? वो ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ देखने के बाद भी हम हया की शादी वहां कैसे करवा सकते हैं? बाबा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है बेटा, यही ठीक है। तुम हया से बात करो, तनाई में हो सकता है तुमसे जरा खुल के बात करे। उससे कह देना कि जो भी उसका फैसला होगा वही हम सब का भी आखिरी फैसला होगा। भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? ही क्या सिखा रहे हैं आप अपनी बेटियों को? इतना भी खुद मुख्तार ना बनाएं कि कल को बगावत पे उतर आए। बेटियां माँ बाप के हुक्म के आगे सिर झुकाती ही अच्छी लगती हैं। ये हमारे माशरे की बच्चियों की खूबी है, अच्छाई है उनकी कि वो माँ बाप के हुक्म के आगे सर झुका देती है। लेकिन माँ बाप की तरफ से ये जुल्म होता है कि वो उन्हें उनका जिंदगी का साथी चुनने ना दे और उनको उनकी पसंद की शादी न कर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर खुद ही भुगत देंगे। मरियम, कल मिर्जा भाई आ रहे हैं हमारे। अच्छा, पूछोगे नहीं कि क्यों आ रहे? आपके रिश्तेदार हैं, जब चाहे मर्जी बुलाएं उनको। आप ही से बात करने के लिए आ रहे हो, वो शादी करना चाहते हो उनसे। मरियम, तुम कुछ बोलोगी नहीं, तुम ही तो चाहती थी कि आप ही शादी कर ले उनसे। जो आप लोगों की मर्जी है आप लोग वही करें, मैं क्या कह सकती हूँ। आई थिंक सत्यन, हमें सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। मैं भी बस काम खत्म करके सोने लगी हूँ। अच्छा।